गाइस, आज हम बात करेंगे व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। अक्सर ये इंटरव्यूज क्वेश्चन में पूछे जाते हैं जब आईटी सेक्टर में जाते हैं, आईटी के लिए अगर आप ज्वाइनिंग करने के लिए जाते हैं या इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। मोस्टली जब आप सिस्टम एडमिन के लिए जाते हैं या नेटवर्क एडमिन के लिए जाते हैं तो ये क्वेश्चन होते हैं। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि ऑथेंटिकेशन क्या चीज है और ऑथराइजेशन क्या चीज है। देखिए, दोनों में माइनर सा डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। तो चलिए आज इसको हम समझते हैं कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। देखिए, ऑथेंटिकेशन मतलब ऑथेंटिक पर्सन। जब हम कभी यूजर बनाते हैं, सपोज मैं एक एडमिन हूं या आप एडमिनिस्ट्रेटर है या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, तो जब कभी आप यूजर बनाते हैं डिवाइस में लॉगिन करने के लिए या सिस्टम पे लॉगिन करने के लिए, ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर पर्सन का एक यूजर बनाते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो उसको एक आईडी प्रोवाइड की जाती है, उसका आईडी प्लस पासवर्ड दिया जाता है जिसके थ्रू वो सिस्टम में लॉगिन कर सके, डिवाइस में लॉगिन कर सके। तो उस समय क्या होता है, जब वो सिस्टम पे लॉगिन करता है, यूजर आईडी पासवर्ड डालता है अपना, तो उस समय होता है ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। जो भी आपको क्रेडेंशियल प्रोवाइड की होती है उसके थ्रू आप लॉगिन करते हैं, तो वो होता है ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, राइट। जैसे एक ऑफिस में आपके डोमेन एनवायरमेंट है, डोमेन एनवायरमेंट क्या होता है कि सेंट्रलाइज यूजर बनते हैं और उस यूजर को बाय डिफॉल्ट ये राइट्स होते हैं कि किसी भी सिस्टम पे वो लॉगिन कर सकता है, ठीक है, तो लॉगिन तो कर जाता है, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है और लॉगिन हो जाता है। बट लॉगिन करने के बाद अगर नेटवर्क के रिसोर्सेस वो यूज करना चाहता है, वहां पे यूज होता है ऑथराइजेशन। अब डिपेंड करता है कि आपका जो यूजर है किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है और आपके यूजर को आपको किस किस रिसोर्सेज को यूज करने के राइट्स हैं। जैसे मान लीजिए कि आप स्टोर डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं या एचआर डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आपने किसी भी सिस्टम पर लॉगिन कर लिया, तो नॉर्मली क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की बनती है, फाइल फोल्डर शेयरिंग हायरार्की जिसे बोलते हैं, तो उसमें डिपार्टमेंट वाइज फोल्डर बनते हैं कि उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज फोल्डर में पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पर्सन ही लॉगिन कर पाएंगे या उसके रिसोर्सेज यूज कर पाएंगे, बाकी अदर जो पर्सन है, जो यूजर है या जो अदर डिपार्टमेंट के पर्सन है, उसको यूज नहीं कर पाएंगे, एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने एचआर डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, किसी अदर सिस्टम पे बैठा है आपने, अपने लॉगिन तो कर लिया, जैसे ही शेयरिंग यूज करेंगे, शेयरिंग फाइल फोल्डर एक्सेस करना चाहेंगे, मान लीजिए आप आईटी डिपार्टमेंट का एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस समय क्या होगा कि उसमें मैसेज आएगा कि यू आर नॉट ऑथराइज्ड पर्सन। इट मींस उस समय चेक किया जाता है, बैकएंड में चेक किया जाता है कि क्या आप इस फोल्डर को, इस रिसोर्स को यूज करने के लिए ऑथराइज हैं। तो जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, वो ऑलरेडी असाइन करके रखता है, परमिशन असाइन करके रखता है कि पर्टिकुलर जो फोल्डर है, पर्टिकुलर जो यू नो डिपार्टमेंट वाइज जो फोल्डर है, तो एचआर डिपार्टमेंट की फोल्डर है तो केवल एचआर के जितने भी पर्सन है उनको राइट्स है उसको एक्सेस करने के लिए, वहां से फाइल फोल्डर एक्सेस कर सकते हैं और उसमें काम कर सकते हैं, अदर कोई पर्सन उसमें लॉगिन या एक्सेस नहीं कर सकता, उस रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये होता है ऑथराइज्ड पर्सन। तो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस तब स्टार्ट होता है
जब आप किसी सिस्टम पे लॉग इन करते हैं उस समय ऑथेंटिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। जब ऑथेंटिकेशन प्रोसेस हो जाता है तो आफ्टर दैट वेरीफाइड होता है आपका ऑथराइजेशन कि आप इस रिसोर्सेस को यूज करने के लिए ऑथराइज हैं या नहीं है। ठीक है, ये होता है ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। अब हम आम जैसे कि नॉर्मली कैसे समझते हैं इसको, किसी कंपनी से रिलेट करके देखते हैं कि वहां पे किसी कंपनी में अगर कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है या कोई बाहर से पर्सन आता है तो वहां पे कैसे ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कंपनी में ज्वाइन किया, ठीक है, ज्वाइन करते ही आपको एक आईडी कार्ड दिया जाता है, ठीक है, उस आईडी कार्ड के थ्रू आप पंचिंग कर सकते हैं, आप किसी पूरी कंपनी में जा सकते हैं, बट आप कंपनी में एंटर तो कर गए बट उस कार्ड पे किस किस डिपार्टमेंट पे एंट्री डोर ओपन करने की अथराइजेशन है वो डिपेंड करता है आपको एचआर एडमिन के ऊपर कि एचआर या एडमिन डिपार्टमेंट जो भी है आपको किस उस आईडी कार्ड पे आपके आईडी कार्ड पे किस किस रूम का डोर ओपन करने के लिए अथराइज किया है। ठीक है, मान लीजिए आप स्टोर डिपार्टमेंट के हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको स्टोर डिपार्टमेंट के डोर ओपन करने के अथराइजेशन है, वहां से कुछ भी एक्सेस करने के, वहां से भी कुछ भी लेने के अथराइजेशन है, आप वहां से कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, उसके रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं, बाकी अदर किसी डोर को ओपन नहीं कर सकते। तो ये होता है अथराइजेशन। तो जो अथॉरिटेटिव पर्सन होता है वो आपको अथराइज करता है कि आप कंपनी के किन किन रिसोर्सों को आप यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों ये है ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। जैसे मैं एक और उदाहरण देता हूं, जैसे कोई बाहर से पर्सन किसी को मीट करने जाता है किसी कंपनी में तो उसको क्या होता है कि एक टेम्परेरी आईडी कार्ड दिया जाता है, विजिटिंग कार्ड जिसे बोलते हैं, या विजिट करने के लिए या मिलने के लिए एक कार्ड दिया जाता है। तो क्या करता है, कंपनी में एंटर करता है, एंटर करते ही वो पर्टिकुलर पर्सन के पास जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले ही आपको गार्ड से कॉल चली जाएगी उस डिपार्टमेंट को कि क्या आप इनको आपने कॉल किया है, मतलब मिलना चाहते हैं। इट मींस कि वो वेरीफाई करेगा कि क्या ये अथराइज पर्सन है, मतलब प्राइमरी प्रायोरिटी ये है कि मतलब कि आपने इनको अप्रूव किया है, क्या मैं इनको आपके मिलने आपके पास भेज सकता हूं। अगर वो यस बोलते हैं तब गार्ड आपको अंदर जाने देगा, अदरवाइज वहीं पे ब्लॉक कर देगा। इट मीन्स यू आर नॉट ऑथराइज पर्सन जिससे आप मिलने की कोशिश करते हैं, मिलने की कोशिश कर रहे हैं या मिलना चाहते हैं। इट मीन्स आप रिसोर्सेज यूज करना चाह रहे हैं, इट मीन्स उसे मिलने का मतलब कि रिसोर्सेज यूज करना चाहते हैं। तो ऐसे ही जैसे आप किसी फाइल सर्वर को और फाइल सर्वर पे एक्सेस करते हैं और वहां पे जितने भी रिसोर्स रखे हुए हैं, जैसे डिपार्टमेंट वाइज फोल्डर है, तो किन किन डिपार्टमेंट वाइज को फोल्डर को आपको ऑथराइज है उन्हीं को आप एक्सेस कर पाएंगे, दैट इज कॉल्ड ऑथराइजेशन। तो दोस्तों आई होप कि ये डिफरेंट समझ में आ गया होगा, हालांकि बहुत कम मतलब कि माइनर से डिफरेंट है, दोनों लगभग सिमिलरिटी है दोनों में, बट दोनों में ये डिफरेंस है कि फर्स्ट आपका ऑथेंटिकेशन होता है, आफ्टर ऑथेंटिकेशन आपका ऑथराइजेशन होता है, मतलब रिसोर्सेज चेक किए जाते हैं कि आप जो रिसोर्सेज यूज करना चाहते हैं क्या उस पर आपको राइट्स है, परमिशन है, ऑलरेडी परमिशन मिले हैं या नहीं मिले हैं। अगर नहीं मिले हैं तो आपको वहीं पे डिनाइड हो जाएगा, अगर आपको परमिशन मिले हैं बैकएंड से तो आप उस रिसोर्सेज को यूज कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टूड हो गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।
ऐसे ही सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।